क्यों स्कूल से भागी हो? कब सोता है मुखिया? 12 बजे रात के। रात में कमाड़ी खोल के चल गए निकल के भाग। तो आप लोग अपने घर पे क्यों नहीं फोन की? गीतारानी कौन है स्कूल का? कस्तूरबा स्कूल का। अच्छा, तो आपका नंबर भी फाड़ दी है। तो आप लोग कब भागी स्कूल से? 1 बजे। क्या नाम है आपका? शिवानी। किस क्लास में पढ़ती हो? छुआ क्लास में। पिताजी का क्या नाम है? लाल। कहाँ गांव है आपका? पंचायत कौन है? तुम्हारा क्या नाम है? किस क्लास में पढ़ती हो? छुआ में। गांव का क्या नाम है? सुरेमनपुर। पिता का नाम? पिताजी का नाम? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशा एक भारत में। आशा एक भारत की टीम सुबह से बेलौटी गांव में आई हुई है। बेलौटी गांव में जिस तरीके से कस्तूरबा विद्यालय में जिस तरीके से लड़कियों के साथ शोषण हो रहा है, उसके बाद यहां पे गार्जियन आ रहे हैं और गार्जियन यहां पे अपनी बेटियों को अपनी लड़कियों को यहां से बाहर लेके जा रहे हैं। पूरा मामला ये है कि रात में बताया जा रहा है कि 6 लड़कियां, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। पुष्टि 2 लड़की की बात चल रही है, कहीं 6 लड़की की बात चल रही है, कहीं 4 लड़कियों की बात चल रही है, लेकिन आखिर पूरा मामला क्या है ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है और कितनी लड़कियां आखिर यहां पे भागी और क्या है पूरा मामला। वहीं दूसरी तरफ बात करें, यहां पे गार्जियन आए हुए हैं, गार्जियन यहां पे अपनी लड़कियों को लेके जाने के लिए आए हुए हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये क्यों चाहती हैं अपनी लड़कियों को ले जाना। मैम क्या चाहती हैं? हम का क्यों आई है यहाँ पे, क्या मजबूरी हो गई कि यहाँ पे आप आई? अपन लड़की ले गुंजा फिर जाके घरे से लिए ली लड़की हमनी के। तो ये बार हमनी के सुनी कि लड़की में से फरार होता है, मैडम गलत काम करतरी, वार्डे गलत काम करता रह। तो ये हमनी को अपन लड़की ले जाए, जैसे लड़की लेके जाए। हाँ, तो आज आप लोग मतलब लड़की को लेके जाने के लिए? हाँ, लेके जाए। हमने के 3 गो में लड़की बाई सा लेके जाए। 3 गो लड़की है? हाँ। कौन 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 क्लास में पढ़ती है तीनों लड़की? एगो में 2 गो छवा में बाई सा, एगो सातवा में भी है। एगो सातवा में भी है, 2 गो छवा में बाई सा। हाँ। का नाम बा तीनों के? एगो के खुशी, एगो के रितु, एगो के नैना। नैना, तीनों को ले जाने के लिए आप आई जी? आप चाहती हैं कि मतलब यहाँ पे अब आपकी लड़की ना पढ़े? ना, अब ना पढ़िए सर। जब मैडम गलत करता रही तो लड़की के कौन भरोसा बैठे? क्या सुनने में आया, क्या मैडम क्या कर लोग आता कि राती के मैडम कोई मर्द के गलत लिया के काम करावतरी आ गेट खुला रहे लड़की देख ली से भाग गई सर। ये कहा नाम बटे ते जाके वार्डो मर गुल बड़ा, मैडम गलत करतरी तो लड़की के का भरोसा बटे। अच्छा, ये यहाँ पे कब पता चला आपको ये मामला पूरा? कब अभी अभी पता चला हटे हमनी के कि मैडम हसन हसन हुजत कैले बाड़ी, अपन अपन लड़की लिया बस लोग। 1 घंटा पहले खबर मिली। क्या आप उनके पिताजी हैं? हां, आपकी लड़की पढ़ती है यहां? हां। तो मतलब क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि जब यहाँ पढ़ाई अच्छा से नहीं हो रहा है, सब यही सब धंधा गलत हो रहा है, तो यहाँ लड़की रह के क्या करेगी? हम अपना घर पढ़ाएंगे, घर पे पढ़ाएंगे, चाहे दूसरे जगह पढ़ाएंगे, दूसरे जगह पढ़ाएंगे गांव में। सरकार से मांग क्या करते हैं आप लोग, सरकार से क्या चाहते हैं? अरे सरकार से कहते हैं जो गलत करते दोनों को बड़ी बड़ी सजा दी। जब बड़े गलत करते तो छोट का है ना करी, जब बड़े के अच्छा शिक्षा नहीं तो बच्चा के का दी शिक्षा अच्छा? आरु का कहे कसी से लतियावस गोही में मैं ओकर गर्मी ठंडा कर दे सरकार जेल कर दिए जाए उन लोग को, सजा दिए लतिया ओकर काम बटे घटिया घरे में। तो मतलब आप लोग फाइनली आप लोग लड़की को ले जाएंगे यहाँ पे? नहीं पढ़ने ना ना पढ़ दे जाए, सुधर जाए तब सुधर जाए। तो कौन जानता कि तू नीमन बाड़ा तो नीमने काम करत है, अंदर में तरह के जाना था कि तू नीमन बाड़ा अब और काम करत रहा तरह वो आदते नहीं के छूटल। तो मतलब आप चाहती हैं कि यहाँ से फाइनली की लड़की चली जाए जी? हमनी के बेरा लड़की ले जाए तो ले जाए, एक खाती सरकार है चाहे पुलिस चाहे रावा आई।
तो यहाँ पे तो साफ तौर पे इन्होंने कह दिया है कि लड़की को ये लेके जाएंगी। तीन लड़कियां यहाँ पे पढ़ती हैं, दो लड़की 6 क्लास में है, एक लड़की 7 क्लास में है। नैना नाम लड़की का बता रही है और कह रही है कि जिस तरीके से यहाँ की जो प्रशासन ही मिली हुई है, इस स्कूल की प्रशासन ही मिली है, वार्डन ही मिली हुई है, तो हम किस पर भरोसा करें और कहाँ भरोसा करें। हमने अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए भेजा है, ना कि कोई गलत काम में सम्मिलित होने के लिए भेजा है। इनकी भी मांग जायज है और ये चाहती हैं कि अगर प्रशासन बिहार सरकार हरकत में आए और यहाँ पे कड़ी से कड़ी सजा, जो सजा के लायक है उनको सजा मिले। आशा एक भारत के लिए मैं रैना सिंह। अगर ये खबर पसंद आए तो इस खबर को लाइक करिए, शेयर करिए ऑन यूट्यूब। आशा एक भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया, आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।